हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वेक्टर स्पेस फॉर आईआईटी जेएम। आईआईटी जेएम से रिलेटेड हमारे सारे वीडियोस आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं एंड आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। सो बात करते हैं यहाँ पे वेक्टर स्पेस के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। फील्ड क्या होता है वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। So now let's start the video. बात करते हैं यहाँ पे वेक्टर स्पेस के बारे में कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। देखो, आपको उसके लिए पहले फील्ड पता होना चाहिए। फील्ड कौन होते हैं कौन नहीं होते हैं, मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमेशा फील्ड जो होता है ट्रिपलेट में होता है। फील्ड में क्या होता है, एक तो होता है रेशनल नंबर का फील्ड, बिकॉज ये क्या होता है, दोनों अबेलियन है ना, ये भी अबेलियन है और क्यू प्लस भी अबेलियन है, क्यू मल्टीप्लीकेशन भी अबेलियन है। दूसरा आर प्लस जो होता है वो भी एक अबेलियन लाइक ये इसका फील्ड होता है, एंड देन सी प्लस मल्टीप्लीकेशन भी फील्ड होता है। अब ये होता है कैसे होता है वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, वहां जाके आप जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईआईटी जेएम के लिए जो लाइक लीनियर अलजेब्रा है उसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में कि ये होता क्या वेक्टर स्पेस। डेफिनेशन बताता हूँ प्रॉपर, देन हम इसको समझते हैं। लाइक एफ प्लस मल्टीप्लीकेशन बी अ फील्ड, ये क्या फील्ड, एंड वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, the element of F are called a scalar and the element of V are called vector. दो आपके पास में ऐसे sets हैं जिनमें से एक F है जिसको हम यहाँ पे field कह रहे हैं और एक V है जिसको हम vector कह रहे हैं। इससे जो भी elements आएंगे वो कैसे होंगे, scalar होंगे, और इससे जो भी elements आएंगे वो कैसे होंगे, like ये वाले जो होंगे वो scalars होंगे, और इससे जो भी elements आएंगे उनको हम vector कहेंगे, और जो एक स्ट्रक्चर होता है वी एफ का इसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर स्पेस कहेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा वेक्टर स्पेस ओवर एफ। ओवर एफ का मतलब है कोई भी फील्ड के ऊपर। ठीक है, अब ये कब होगा, इफ, सबसे पहले कंडीशन इफ लगा ना यहां पे, ये होगा कब, इफ फर्स्ट कंडीशन इज दैट वी प्लस इज अबेलियन ग्रुप। वी प्लस जो है यानी कि इससे जो वेक्टर के जो भी एलिमेंट आ रहा है उसका अगर आप एडिशन करेंगे तो अबेलियन ग्रुप होगा, मतलब उसमें ग्रुप के पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव। अगर वो है तो ये क्या हो जाएगा, लाइक एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। दूसरा कह रहा है वी इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन, इसको भी हम समझेंगे किसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी हम समझ लेते हैं। देखो होता क्या, एक्चुअली अगर हम V प्लस के बारे में बात करते हैं, अगर V प्लस एक अबेलियन ग्रुप है तो मस्ट है कि उसमें जीरो कंटेन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब आप अगर कोई भी एलिमेंट लेंगे उसके साथ में अगर जीरो को ऐड करेंगे तभी आपको वो एलिमेंट वापस मिलेगा और वो उसकी आइडेंटिटी होता है ना, ये वापस क्या हो जाएगा, इसका आइडेंटिटी हो जाएगा, तो जीरो उसमें होना ही चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, वो कम्यूटेटिव होना चाहिए। लाइक अगर आप a प्लस बी कर रहे हैं तो वो b प्लस ए होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए, तभी वो अबेलियन। मैंने पांचों प्रॉपर्टी आपको बताई, कुछ पांचों की पांचों सेटिस्फाई करनी चाहिए तभी वो एक अबेलियन ग्रुप होगा। देन बात करते हैं यहाँ पे v इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन, इसका क्या मतलब हुआ। क्लोज रहने का मतलब है कि मान लीजिए अल्फा कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एफ से आ रहा है और ए कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि वी से आ रहा है, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, वो किसमें आना चाहिए, लाइक ना यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा कि जो भी एलिमेंट्स होंगे ना वो क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे। कहने का मतलब है कि आप इनमें से जो भी एलिमेंट्स ले रहे हैं वो किसमें आएगा, वी में आएगा, वो एक्सटर्नल कंपोजिशन को फॉलो करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि उसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो क्लोज्ड होना चाहिए। बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन के बारे में कि अगर आपके पास में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है अल्फा और U एंड V कोई दो ऐसे एलिमेंट है जो कि इससे आ रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू अल्फा U प्लस अल्फा V, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये इसके साथ में भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ में भी मल्टीप्लाई होगा, तो फॉर एवरी U एंड V बिलोंग्स टू V एंड U एंड V बिलोंग्स टू V एंड जो अल्फा है वो फील्ड से आएगा, अल्फा बिलोंग्स टू F। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे आगे, अगर आपके पास में कोई अल्फा एंड बीटा दो ऐसे एलिमेंट है जो फील्ड से आ रहे हैं एंड यू कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो इससे आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब ये हो जाएगा भाई अल्फा बीटा एंड यू हो जाएगा। ठीक है, फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड क्या हो जाएगा, यू जो है वो वी से बिलोंग कर रहा है। एंड देन अगर हम बात करें कि अल्फा प्लस बीटा
दो स्केलर का आपस में एडिशन हो रहा है, हम उसको किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा अल्फा यू प्लस ये हो जाएगा बीटा यू फॉर एवरी, ये हो जाएगा अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड ये हो जाएगा यू बिलोंग्स टू वी। ये इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, यानी कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि अगर मैं वन को यू से, वन लाइक कोई एक यूनिटी, वन मतलब हो जाएगा उस फील्ड का एक ऐसा एलिमेंट जो कि स्केलर है, और वो वापस आपको क्या मिलेगा, यू मिलेगा फॉर एवरी यू बिलोंग्स टू वी एंड क्या ध्यान रखना है, वन इज द यूनिटी ऑफ, है ना, यूनिटी एलिमेंट कहते हैं इसको, यूनिटी एलिमेंट ऑफ फील्ड, ऑफ एफ कह दो या ऑफ एफ फील्ड, वो उस फील्ड का क्या होगा, यूनिटी एलिमेंट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये है इसका कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में। देन हम बात करते हैं कुछ ट्रिक्स के बारे में, कुछ आपको समझना चाहिए कि कौन फील्ड होगा कौन नहीं होगा। देखो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर कंटेन कर जाता है, है ना, रियल नंबर में रेशनल नंबर, रियल नंबर में इंटीजर, नॉट नेचुरल, सॉरी फॉर दैट, इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर इज द सबसेट ऑफ क्यूब, है ना, इंटीजर इज द सबसेट ऑफ क्यूब। देन यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर इसमें कंटेन कर जाता है, इंटीजर एंड लाइक रेशनल नंबर दोनों ही रियल नंबर में कंटेन कर जाता है, और ये तीनों जो है वो कॉम्प्लेक्स में कंटेन कर जाता है। तो ये एक्चुअली इससे जो एक कॉम्बिनेशन बनता है और जो एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन बनता है, अब ये क्या होता है, ये आप तुम्हारे प्रीवियस वीडियो में पता चले, बता देंगे अभी आपको, एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन जो बनता है वो फील्ड कब होता है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन के बारे में, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन कौन से फील्ड बन सकते हैं। चलो, फील्ड सी ओवर सी हो सकता है, सी ओवर आर हो सकता है, सी ओवर क्यू हो सकता है, और सी ओवर जेड हो सकता है, नहीं हो सकता तो हम चेक करेंगे अभी। देन बात करते हैं क्यू ओवर सी, सॉरी आर लेते हैं पहले, चलो आर ओवर आर, है ना, आर ओवर सी, फिर हो जाएगा आर ओवर क्यू, एंड ये हो जाएगा आर ओवर जेड, एंड देन यहां पर आ जाएगा, ठीक है, आर ओवर सी तो हो ही नहीं सकता ना भाई, बड़ा तो अंदर रह ही नहीं सकता, चलो बड़ा अंदर नहीं रह सकता, एक बार एक काम करते हैं, चलो लिख देते हैं फिर एक बार, चलो ठीक है लिख देते हैं, वैसे ये होगा नहीं अभी, क्यों नहीं होगा बता दूंगा अभी, क्योंकि एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन नहीं है। फिर आर क्यू ओवर क्यू, क्यू ओवर सी, क्यू ओवर आर एंड क्यू ओवर जेड। अब बात करते हैं कौन होगा और कौन नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं खुद का, खुद हो सकता है वेक्टर स्पेस, तो ये वाला फील्ड और वेक्टर स्पेस हो जाएगा सी ओवर सी हो जाएगा, सी से सी कोई भी दो एलिमेंट आएंगे तो एक तो अबेलियन होगा सी प्लस, है ना, सी प्लस क्या हो जाएगा, एक तो अबेलियन हो जाएगा, यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो ये वाली, एक सी प्लस अबेलियन हो जाएगा, दूसरा ये दोनों आपस में क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे, देन ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आर की बात करते हैं, अब बात ध्यान ये रखना, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, बस ट्रिक ये है कि हमेशा अगर आप V एंड F लिखते हैं तो ये जो है वो कैसा होता, बड़ा होता, और ये कैसा होता, छोटा होता, ठीक है, अगर अंदर बड़ा आ गया तो काम खत्म है। अब बात करते हैं सी, सी बड़ा है ये छोटा है ये हो जाएगा, सी बड़ा है ये छोटा ये हो जाएगा। अब सी बड़ा ये छोटा है होना चाहिए लेकिन होगा नहीं, क्योंकि जेड प्लस मल्टीप्लीकेशन फील्ड नहीं है, दिस इज नॉट फील्ड, ये फील्ड नहीं है भैया, जब ये फील्ड ही नहीं होगा तो यार ये होगा ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये छोटा है ये बड़ा है तो ये हो ही नहीं सकता, ये बड़ा है ये छोटा है तो ये हो जाएगा, वापस ये फील्ड है ही नहीं तो जेड वाले तो कोई होगा ही नहीं। फिर बात करते हैं क्यू सी के बारे में, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बाहर छोटा है अंदर बड़ा। तो यहां पर आपको पता चल गया कि कौन कौन से यहाँ पे वेक्टर स्पेस होते हैं और कौन से वेक्टर स्पेस नहीं होता। दो तीन और टाइप के वेक्टर स्पेस होता है, लाइक अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक और टाइप का वेक्टर स्पेस यहाँ पे होता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपके पास में अगर हम बात करें R ओवर R3, है ना, R ओवर R3 क्या होता है कि ये वेक्टर स्पेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये छोटा इसमें है ना, वन ये वन डायमेंशनल है, ये थ्री डायमेंशनल है ना, इसमें एक्स टाइप का एलिमेंट होगा, उसमें एक्स वाई जेड टाइप का एलिमेंट होगा, तो ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। बट अगर हम बात करते हैं आर क्यूब ओवर आर, तो ये हो सकता है बिकॉज आर क्यूब बड़ा है, थ्री डायमेंशन है, वो वन डायमेंशनल है। आगे बात करते हैं, देखो
क्यू ओवर आर। अब क्यू ओवर आर होगा या नहीं होगा ये आपको चेक करना, कैसे नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है ना भाई क्यू ओवर आर नहीं होगा, क्यू ओवर सी नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन नहीं है। एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन कैसे नहीं, मैं इससे कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ, 2/3 p/q टाइप का एलिमेंट हो जाएगा, इससे कोई एलिमेंट ले लेता है √2। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ना बार वाले ना क्या होता है, एक्चुअली एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन का मतलब होता है अगर आप कोई ऐसा एलिमेंट ले रहे हैं वी से और एक एलिमेंट अल्फा आप ले रहे हैं एफ से, अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं वापस वो वी से बिलोंग करना चाहिए, मतलब वो बाहर वाले से बिलोंग करना चाहिए। किससे बिलोंग करना चाहिए, बाहर वाले से। तो क्या ये क्यू से बिलोंग करेगा, ध्यान रखना कभी भी क्यू से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि रूट के टाइप के एलिमेंट क्यू में नहीं आते, बट रूट टाइप के एलिमेंट तो रियल में आते हैं, तो रियल वाला पूरा जो है वो इससे इसके ऊपर ओवर कभी भी फील्ड नहीं, एक्सटर्नल कंपोजिशन नहीं होगा। एक्सटर्नल कंपोजिशन नहीं है तो इट मींस ये एक वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कुछ और वेक्टर स्पेस होता है और कैसे होता है, हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं सी स्क्वायर ओवर सी, ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा क्योंकि बाहर बड़ा है अंदर छोटा है ना। आर स्क्वायर ओवर आर ये भी हो सकता है ना, क्यू स्क्वायर ओवर क्यू ये भी हो सकता है ना। कंडीशन यही ध्यान रखो, आप ये वाली ट्रिक ध्यान में रखो कि बाहर बड़ा होना चाहिए अंदर छोटा होना चाहिए, बाकी अपना हो जाएगा। अगर बात करते हैं जैसे एक एक एलिमेंट लेना जैसे आर स्क्वायर क्यू, ये भी वेक्टर स्पेस हो जाता है क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर आप देखेंगे मैं इसके टू डायमेंशनल वाले के कोई भी दो एलिमेंट ले लेता हूं √2 and √3, ये दो कोई भी एलिमेंट ले लिया मैंने, और क्यू का मैंने कोई एक एलिमेंट ले लिया 5/2। अगर हम इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 5/2 and √3 5/2। अब देखो आर टू में एलिमेंट एक्स इंटू वाई के होते हैं, आर थ्री में एलिमेंट एक्स इंटू वाई इंटू जेड है ना, ये इस टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो अब वापस देखो आप, ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, तो वापस ये किस पे बिलोंग कर रहा है, ये वापस आर पे, और आर मतलब बाहर वाला, बाहर वाले से वापस बिलोंग कर जाना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर स्पेस कहते हैं। आई होप वेक्टर स्पेस का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ना ये वाला, ये मैंने आपको बताया दिया, इस पे बेस्ड एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि भाई ये भी एक वेक्टर स्पेस होता है। अब ये भी कैसे होता है ना, क्यू ओवर रूट टू वेक्टर स्पेस कैसे है भाई, अब ये बड़ा है और ये छोटा है वो कैसे, हम समझिए यहाँ पे। और वो वेक्टर स्पेस किस पे कह रहा है, वेक्टर स्पेस ओवर दिस है ना, a+√2b हो जाएगा, और a और b q से बिलोंग कर रहे हैं। अब हम q जो है ना उसमें ध्यान रखना है, q में है ना, q जीरो जो है q से बिलोंग करता है, जीरो जो है वो q से बिलोंग करता है। तो अगर मैं b = 0 पुट कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, a आ जाएगा, तो a तो q से बिलोंग कर ही रहा है ना। यहाँ पे आप b = 0 पुट करके इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। अब एक वेक्टर स्पेस इसके अलावा एक और हो सकता है, एक और हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट पॉइंट करके हम उसको भी लिख सकते हैं कि q√2 है ना, ये एक खुद अपने आप में एक वेक्टर स्पेस, ये खुद अपने आप में एक सेट बन जाएगा, q√2 over q। अब देखो इसमें जितने एलिमेंट होंगे वो सारे √2 से मल्टीप्लाई होंगे, ध्यान में रखना इसमें जितने एलिमेंट है ना, क्यू के जितने एलिमेंट है वो √2 से मल्टीप्लाई होंगे। अब जब √2 से मल्टीप्लाई होंगे तो मतलब ये वाला बड़ा हो गया, ये वाला छोटा हो जाएगा, कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा कि q√2 is greater than q, बाहर बड़ा होना चाहिए अंदर छोटा होना चाहिए, वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स। आईआईटी जैन के सारे वीडियोस, बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स रिलेटेड सारे वीडियोस यहां पर आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, थैंक यू, बाय बाय।